लोगों को जोड़ने का काम करें। महासचिव थे, अब जो है आज इस वर्ष चुनाव होना है 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटरों को साधने में लगी है। इसी क्रम में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के बैनर तले जो है देखिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि ये आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ये इसका हिस्सा बना हुआ है। ये बैनर जो है अत्यंत पिछड़ा उत्थान एवं कल्याण समिति के द्वारा है वह किया गया है, जहां अति पिछड़ा संसद बुलाया गया है और बिहार के तमाम जिलों से जो है अति पिछड़ा के समाज के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पटना के मिलर ग्राउंड का आप तस्वीर एक बार देख लीजिए, जहाँ हजारों की संख्या में जो है वह लोग उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। इस कार्यक्रम का मेन मकसद एक ही है, जैसा कि विद्यापति चंद्रवंशी जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे जब न्यूज फाउंडेशन ने बात किया था उस दौरान उन्होंने बताया था कि इस कार्यक्रम का मेन मकसद है कि अति पिछड़ों को एकजुट करना। जिस तरह से बिहार में चाहे महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो यह दावे करते रही है कि अति पिछड़ा के हम नुमाइंदी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पर कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया है। देखिए मंच पर उपस्थित है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी और रवि वात्स्यायन है, साथ ही साथ तमाम आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के नेता जो हैं इस मंच पर उपस्थित हैं। और ये पटना के मिलर स्कूल में आप देख रहे होंगे खचाखच आदमियों से भरा हुआ है। वहीं 24 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक संदेश देने का कोशिश किया जा रहा है कि अगर आप अति पिछड़ों के साथ अन्याय करते हैं तो आप लोगों को जो है इसे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला है। यानी ये तस्वीर आपको एक अलग ही दिखा रही होगी, जहां आप अब तक ही आपने देखा होगा कि कोई भी राजनीति पार्टियां हो वो सिर्फ और सिर्फ कोई योजना या कार्यक्रम के जरिए अपने अपने आप को बताना चाह रहा हो, लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से यह बताया जा रहा है कि आप अति पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, वो हकमारी नहीं कर सकते हैं। और तमाम लोग जो हैं माथे पर जो है टोपी पहनकर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का एक तरफ से कहा जाए कि अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाथों में जो है जो बैनर है पार्टी का उस बैनर के तहत जो है लोग ये बताने की अब कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा जो है अब जाग चुका है। यानी कि एक ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक प्रदर्शन एक कहा जाए कि अपना शक्ति को दिखाया जा रहा है कि अति पिछड़ा जो है वह एकजुट है और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है इसके अब मसीहा बनने की कोशिश में है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक के जो है लालू प्रसाद यादव माने जाते रहे हैं, नीतीश कुमार माने जाते रहे हैं, लेकिन अब आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है यह बताने का कोशिश कर रहा है कि अगर आने वाले वक्त में जो चुनाव होना है अगर इसके अति पिछड़ों के साथ अगर हकमारी होती है तो इसका खामियाजा जो है पार्टियों को मिलेगा। और ऐसे में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है इसका पुरजोर जो है अब समर्थन कर रहा है, एकजुट करने की कोशिश कर रहा है ताकि अति पिछड़ा का जो वोट है वो इधर उधर ना जाए और टोटल अति पिछड़ा का जो वोट है वो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के ही झोली में जाए। इस मकसद को लेकर के जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक बार पुनः आप तस्वीर देख लीजिए, एक बड़ा मंच बनाया गया है और इस मंच पर जो है जो पार्टी के नेता हैं वह शक्ति प्रदर्शन करेंगे और बिहार में एक कहा जाए कि अपना शक्ति को दिखाएंगे, अपना प्रदर्शित करेंगे कि हमारा समाज का क्या जो है कितना संख्या है, कितना वोट बैंक है, इन तमाम चीजों पर जो है वह प्रदर्शित करेंगे। अब इसका क्या असर राजनीति पर पड़ने वाला है न्यूज फाउंडेशन वह भी आप तक जोर साझा करेगा। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।